पहले यहाँ पर मैं आपको शीट के बारे में बताऊंगी जो हम यूज करते हैं. दिस इज अ बेसिक थिंग. इसमें ये जो आप साइज देख रहे हैं ये है A4 साइज, जो आपका प्रिंटिंग में यूज होता है. जहां पर आप फोटो स्टेट की शॉप पे जाते हैं और अपना कुछ भी वर्क प्रिंट आउट कराते हैं, जैसे ये प्रिंट आउट हुए हुए ही हैं. ज्यादातर हमारी A3 साइज की शीट ही ये यूज होती है. और A4 साइज की शीट हमारी ड्राइंग बुक्स के अंदर आप अलग अलग साइजेस देखते होंगे, अगर कभी आपने गौर किया हो तो. उसमें भी A4 साइज की छोटी ड्राइंग बुक, आप कहते हो ना छोटी साइज की ड्राइंग बुक, तो वो इस साइज की भी ड्राइंग बुक होती है छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए. बड़ी क्लासेस में ये A3 साइज की पूरी इसकी ड्राइंग बुक भी मिलती है, स्केच बुक मिलती है, तो हम वो यूज करते हैं. तो और इसके अंदर दो तरीके की शीट्स यूज होती हैं ड्राइंग बुक में, एक होती है आइवरी शीट, एक होती है कार्ट्रेज शीट. तो ये शीट्स के अंदर एक खासियत होती है ड्राइंग के लिए कि इसका जो एक एरिया होता है वहां पर ये हल्का हल्का रफनेस आती है. ये रफनेस होगी, मतलब कहीं आपको अंदर फील होगा कि ये देखिए ये एग्जैक्ट प्लेन नहीं है, कहीं कहीं आपको ये रफनेस शो हो रही है. और इसकी जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल प्लेन होगी. तो ये फर्क आता है हमारी जो कार्ट्रिज शीट्स हम बेसिकली यहाँ पर यूज करते हैं. इससे एक और बड़ा साइज होता है जो 11th और 12th क्लास में यूज करते हैं हम लोग ड्राइंग करने के लिए, स्केचिंग के लिए. वो साइज होता है हाफ इम्पीरियल साइज. और हाफ इम्पीरियल साइज कैसे बनता है, अगर आप एक चार्ट ले लें, चार्ट पेपर बड़े साइज का, और उसको फोल्ड कर लें तो जो साइज आता है दैट इज हाफ इम्पीरियल. और अगर आपने घर में एक आइडिया लेना हो, अगर आपके चार्ट पेपर भी नहीं है तो ये आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, अगर इस न्यूज़पेपर को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो जो ये एक हिस्सा ये पूरा का पूरा आता है, दिस इज हाफ इम्पीरियल. ये हाफ इम्पीरियल होता है लगभग, ये वही साइज है. अब सबसे पहले जब हम कलरिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमेशा नीचे कोई ना कोई शीट जरूर बिछाएं, चाहे आप स्कूल में काम कर रहे हैं, चाहे आप घर पर कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर बिल्कुल भी आपके कलर्स वगैरह नीचे लग के नीचे का एरिया जो है वो गंदा ना हो. अब इसके बाद सेकंड थिंग आ गई, पहली बात शीट की, दूसरी बात आ गई हमारे और क्या क्या सामान इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है. ये वो चीजें हैं जो हम हमेशा यूज करते हैं, पर जैसे करते हैं वो थोड़ा सा हम अगर उसमें मॉडिफाई कर लें तो हमारा सामान भी प्रॉपर सेट रहेगा और हमें जब भी काम करना होगा हमें दिक्कत नहीं आएगी. तो ये देखिए, मैंने एक इसके लिए पहले तो एक बॉक्स यूज किया है, कोई भी वेस्ट बॉक्स जो था मैंने उसको यूज कर लिया अपने सामान के स्टोरेज के लिए. दूसरी चीज, यहाँ पर मैंने जो कलर्स यूज किए हैं वो जिनसे मैं अभी आपको बता रही हूँ वो है कैमल के स्टूडेंट पोस्टर कलर्स जो मेरे पास यहाँ पर है. ये 12 शेड्स का बॉक्स है, मिनिमम हमें ये रिक्वायर्ड रहता ही रहता है. और इसके साथ मैं आपको बता रही हूँ एक किस स्केल हमें चाहिए होता है, क्योंकि इतनी बड़ी शीट तो हम यूज करते ही हैं, तो एक स्केल या इससे भी एक बड़ा स्केल भी आता है, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ताकि जब भी आपको लाइंस खींचनी हो तो आपको दिक्कत ना आए. ये होती है मास्किंग टेप, इस पे लिखा हुआ भी है मास्किंग टेप. इसके बजाय आप जो नॉर्मल आपकी ट्रांसपेरेंट टेप आती है या ब्राउन टेप थोड़ी सी ज्यादा गमी होती है उसमें, तो उसकी बजाय आप जो ट्रांसपेरेंट टेप है वो भी यूज कर सकते हैं. और इसका यूज कहाँ आता है, हम इस शीट को जैसे हमने काम करना है तो नीचे हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है, अगर ड्राइंग बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो कोई भी हार्ड गत्ता है, हम उस पर अपनी शीट को रख कर और उसको यहाँ पर स्टक कर लेते हैं, ताकि हमारा यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट हो जाए. ये शीट है और मैंने इस पे क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टेप का यूज किया है और ये पूरा और थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ पर इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे इस टेप को उतारना भी रहता है. इससे क्या इफेक्ट आता है कि जब हम कलर्स करते हैं और बाय चांस हमारा इधर भी कलर चला जाता है तो कलर हमारा नीचे नहीं जाता है, तो एक हमारा जो व्हाइट बॉर्डर है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है. हमें
अगर हम पूरी शीट पे कलर कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ से बचा कर काम करना है, और बहुत स्मूथ ये एक हमारा बॉर्डर क्रिएट कर देता है, और जिस चीज के साथ हम इसको स्टक कर रहे हैं तो वहां पर भी उसको उसके साथ भी जोड़ देता है, तो हमारे दो पर्पज एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। अभी तो मैं इस पे आपको काम करके दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने दोनों ही तरीके से आपके लिए यहाँ पर ही क्रिएट की, देखिए शीट से थोड़ा सा बाहर है, ये नीचे बेस शीट है, तो इस तरीके से बॉर्डर भी क्रिएट हो रहा है और उसके साथ स्टिक भी हो रहा है। ये कुछ भी घर में अगर आपके पास जैसे बेसिकली कोई ऐसे कंटेनर्स अवेलेबल हो तो आप ये रख सकते हैं, जिसमें हमें ज्यादा क्वांटिटी में अगर कलर को पतला करके घोलना हो। बाकी ये हमें रिक्वायर्ड रहता है कोई भी कॉटन क्लोथ, ये भी वेस्ट क्लोथ में से ही आप कट करके अपने पास पीसेज रख सकते हैं, कोई अलग से आपको कोई कपड़े रखने की जरूरत नहीं है, आराम से ही मटेरियल आपको मिल जाता है। अब आती है ब्रशेस की बात, तो यहाँ पर मैं दो तरीके के ब्रशेस हैं जो यूज कर रही हूँ, एक है राउंड ब्रशेस और एक है फ्लैट ब्रशेस। तो ये जो हमारे राउंड ब्रशेस होते हैं, अगर हमें बारीक काम करना है तो बारीक ब्रश है, उससे अलग अलग जीरो, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, 0, 2, 4 और 6 नंबर के ये हमारे ब्रशेस हैं राउंड ब्रशेस। तो मोटे ब्रश से अलग वर्किंग आती है, बारीक से अलग आती है, ये आपको पता ही होगा। और ये है फ्लैट ब्रशेस, जहाँ हमें फ्लैट फिलिंग करनी है, जैसे बैकग्राउंड में फिल करना है कोई भी कलर, तो हम राउंड ब्रश यूज नहीं करते हैं, उसमें हम फ्लैट ब्रश यूज करते हैं, और उसको एरिया के अकॉर्डिंग, की अगर कम एरिया है तो उसमें हम कम चौड़ा ब्रश, अदरवाइज ज्यादा चौड़ा ब्रश यूज करते हैं। वाटर कंटेंट की हमें पानी रखने के लिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ये मैंने ऐसे दो ग्लासेस रखी हैं जिनमें मैंने पानी फिल करके रख लिया है। ये भी आप घर में से कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो इजली, वो आप अपने पास कंटेनर्स रख सकते हैं। प्लास्टिक को हम प्रेफरेंस या स्टील को प्रेफरेंस इसलिए देते हैं तो कि वो हमारे टूटने की दिक्कत नहीं होती। तो कांच का कोई भी सामान मत यूज करिए और कोई भी अदर थिंग्स यूज करिए। ये घर में जैसे मेरे पास एक वेस्ट प्लेट रखी हुई थी तो मैंने उसका यूज कर लिया। वैसे कलर पैलेट्स होते हैं जिसमें हम कलर्स को घोलते हैं, तैयार करते हैं, तो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, जैसे इसमें खाने बने हुए हैं तो हमारे कलर्स वगैरह अलग अलग मिक्स नहीं होंगे, तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो हमारे ब्रशेस हैं जिससे हम काम कर रहे हैं वो हमारे राइट साइड पे हैं, और थोड़ा स्पेस से कि शीट गंदी ना हो, साथ ही राइट साइड पे ही हम अपनी पैलेट को रखेंगे। ये सारा सामान आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहीं पे हमने अपना वाटर रख दिया। वाटर जैसे हम, मतलब ये चीजें इसलिए ध्यान देनी जरूरी है कि जब हम काम करते हैं तो हमारा हाथ स्मूथ चले। अब इसका रीजन क्या है, जैसे कलर्स भी हैं वो भी हमने जो भी जैसे यूज करना है तो हमने वो भी निकाल के अपने राइट साइड पे ही रख दिए हैं। कुछ भी सामान यहाँ पे लेफ्ट साइड नहीं होगा। क्या होगा अगर आप शीट पे जैसे काम कर रहे हैं तो हम राइट साइड से काम करते हैं, हम राइट हैंडेड है, जो लेफ्ट हैंडेड है उन्हें लेफ्ट साइड रखना चाहिए सारा सामान, जो राइट हैंडेड है उन्हें राइट साइड रखना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये ब्रश उठाया है और मुझे यहाँ पे इसे काम करना है, तो मैं यहाँ से लेके काम करूंगी तो ये इजी रहेगा, मैं इधर से उठा के इधर काम करूंगी तो कलर आपका कहीं पर भी लगने का डर हो सकता है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स। इसके बाद हम करते हैं आगे का समझना कि क्या है, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो जरूर देखिएगा आपको बेसिक कलर की नॉलेज।